नमस्कार, बाजार विश्लेषक में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार में निचले स्तर से लगभग 45 से 50% की रिकवरी हो चुकी है। आप यहां देख सकते हैं, ये जो गिरावट हुई है ये कोरोना की वजह से हुई है और उसके बाद धीरे धीरे बाजार में अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है। बाजार ने यहां जो बॉटम बनाया था वहां से अभी तक बाजार में लगभग 3,800 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है, जो कि लगभग 50% की रिकवरी है। इसके अलावा सेंसेक्स या निफ्टी इंडेक्स फंड में भी अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी है। दोस्तों, इंडेक्स फंड में मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट की सलाह देता हूं, तो अभी मैं इसका परफॉर्मेंस भी आपको दिखा दे रहा हूं। तो बाज़ार में गिरावट के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक साल का जो रिटर्न है 3.9% का है। दोस्तों, इंडेक्स फंड के अलावा कई म्यूचुअल फंड भी अब पॉजिटिव में आ गए हैं। आप यहां देख सकते हैं कि SBI ब्लू चिप फंड का रिटर्न भी पॉजिटिव में आ गया है। बचे हुए कुछ म्यूचुअल फंड जिसमें अभी भी नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है, मुझे उम्मीद है कि बाजार की रिकवरी के साथ साथ बहुत जल्द उनमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, लेकिन यूलिप की बात की जाए तो ज़्यादातर यूलिप में लोगों को नुकसान ही हो रहा है। आप सभी के जो भी कमेंट्स आते हैं यूलिप प्लान को लेकर के, उसे देखकर काफ़ी दुख होता है, क्योंकि उसमें मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को नुकसान ही हो रहा होता है। यूलिप लेने वाले ज़्यादातर लोग खुश नहीं होते, क्योंकि उनके साथ धोखा हो जाता है, रिटर्न से ज़्यादा आपसे चार्जेस लिया जाता है। यही वजह है कि आपका फंड वैल्यू हमेशा माइनस में रहता है। दोस्तों, अभी आपके सामने कोटक के एक यूलिप प्लान का स्टेटमेंट है। आप यहां देख सकते हैं कि ये टोटल फंड वैल्यू जो है 1,63,000 के आसपास है और ये जो स्टेटमेंट है वो 10 जुलाई तक का है। इस यूलिप का जो प्रीमियम है 1,00,000 रुपये सालाना है। अभी इस प्लान को 2 साल हुआ है और 2 साल में 2,00,000 रुपये इस प्लान में दिया जा चुका है और 2,00,000 रुपये दिए जाने के बाद अगर आप यहाँ फंड वैल्यू देखेंगे तो 1,63,000 का है। अब इस स्टेटमेंट के सेकंड पेज पर चलते हैं और वहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिसे आम तौर पर यूलिप लेने वाले ग्राहक को खुद ही देखना चाहिए, समय समय पर उसे चेक करना चाहिए। अब आपके सामने इस स्टेटमेंट का सेकेंड पेज है। अब आप यहां देख सकते हैं कि मंथली चार्जेस के नाम पर आपसे कितना पैसा काटा जा रहा है। दोस्तों, जब भी मैं किसी यूलिप के ऊपर वीडियो बनाता हूं तो उसमें चार्जेस के बारे में डिटेल में इसीलिए समझाता हूं कि प्लान लेने से पहले आपको पता चल जाए कि उस पॉलिसी में कितना चार्जेज है। यूलिप का ऑन एन एवरेज जो रिटर्न आता है वो 8 से 10% का रिटर्न आता है। इससे ज़्यादा यूलिप से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी नहीं चाहिए। मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें 10% से ऊपर तो चार्जेज ही डिडक्ट हो जाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिसका चार्जेज ही 10% से ज़्यादा हो उस यूलिप में आप कैसे कमाएंगे। आप यहाँ देखिए, हर महीने ये चार्जेज डिडक्ट हुए हैं और जब तक आप स्टेटमेंट देखेंगे नहीं इसका पता आपको चलेगा नहीं। किसी भी यूलिप में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ब्रोशर देखना चाहिए, जो कि आप लोग देखते नहीं हैं। ब्रोशर अगर आप देख लेंगे तो उसमें चार्जेस सेक्शन में सारे चार्जेस लिखे हुए होते हैं। यूलिप में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको हर महीने या हर क्वार्टर में एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया जाता है, उसे भी कोई देखना नहीं चाहता है। अब आप ही बताइए कि यदि आप स्टेटमेंट देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पैसे का हो क्या रहा है। इस पॉलिसी का मंथली चार्जेस 1,000 रुपये है तो साल के 12,000 रुपये चार्जेस में आपने दे दिए। इसके अलावा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज भी काटा जा रहा होगा। अब जिस यूलिप में इतना चार्ज लगता हो उसका फंड वैल्यू कैसे ग्रो करेगा। सभी चार्जेस मिलाकर देखें तो 10% से ज़्यादा आएगा। ऐसे में बाजार में रिकवरी आने पर भी यूलिप के ग्राहक नुकसान में ही रहते हैं। आप सभी को निवेश करने से पहले प्लान को समझ लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग प्लान लेते समय जल्दीबाजी करते हैं। मेरे हिसाब से आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दीबाजी और बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा होगा या नुकसान, इस स्टेटमेंट को देख करके आप खुद ही समझ जाइए। दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करना है इसके लिए
ये वीडियो बना हुआ है, इसको देखिए, निवेश कीजिए और एक सफल निवेशक बनिए। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। थैंक यू।